ओडिया भाषा को क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, पर 10 साल में ओडिया भाषा को कोई प्रोत्साहन नहीं किया गया। और यहां की सरकार से, यहां के सांसदों से कोई आलोचना नहीं हुई, मुद्दा मुझे उठाना पड़ा राज्यसभा। तो पहली बात तो यह है साथियों, बीजेपी और बीजेडी बिल्कुल फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिले हुए हैं, एक नकली बॉक्सिंग मैच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं, मुख्यमंत्री कुछ वीडियो बनाते हैं, ये सब दिखावा है, ये सब झूठ का खेल है। तो असली बात यह है कि उड़ीसा की जनता के सामने एक ही विकल्प है, एक ही चॉइस है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरे तरफ इस गठबंधन बीजेपी बीजेडी का गठबंधन। ये तो गठबंधन है और कुछ नहीं। दूसरी बात, ये जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के लिए, अब तक 379 सीटों का चुनाव हो चुका है, 4 चरण में चुनाव हुए हैं अब तक। 379 सीटों का चुनाव हुआ है और 4 चरणों के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में, मध्य भारत में बीजेपी माफ। दक्षिण में साफ, उत्तर, पूर्व और पश्चिम में माफ। तो बिल्कुल 4 चरण के बाद 379 सीटों के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा 4 तारीख जून को। जो आज प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हैं, जगह जगह घूमते हैं, उड़ीसा भी आएंगे, ये आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है, ये निवर्तमान प्राइम मिनिस्टर है। 4 तारीख के बाद इनका टाटा बाय बाय होना बिल्कुल दीवार पर लिखा गया है। अभी 3 चरण बाकी हैं, पर 4 चरण के बाद, 4 फेजों के बाद ही साफ हो गया। तीसरी बात जो मैं कहूंगा कि इस चुनाव में हमारे नेता राहुल गांधी जी कल बोलंगी रहा है, सिर्फ एक ही किताब को लेकर प्रचार कर रहे हैं। ये किताब है वो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान। और खड़गे जी हमारे अध्यक्ष और राहुल जी हमारे नेता दोनों कह रहे हैं कि ये संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि आज धन तंत्र चला रहा है सरकार, लोकतंत्र नहीं चला रहा। तो इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए हमने 5 न्याय, 25 गारंटियां दी हैं, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी। और विधानसभा चुनाव में हमारे पार्टी की ओर से अलग से हमने 10 गारंटियां दी हैं, हिंदी में हमने कहा है हाथ बदलेगा हालात, उड़िया में हमने कहा है हाथों बदलावे स्थिति। तो ये हमारा चुनाव अभियान है। एक तरफ प्रधानमंत्री की भाषा बिल्कुल साफ हो गया है कि वो भोगलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, अभी अडानी अंबानी और टेम्पो की बात कर रहे हैं।